नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। और द न्यूज़ गैरेज अपने दर्शकों के लिए लेकर के आया एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है ऑन द रिकॉर्ड। इस प्रोग्राम के तहत हम शहर के, राज्य के और देश के सभी VIP और VVIP लोगों के साथ दिन भर रहेंगे, ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक, और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या है दिनचर्या, अपने दिन का यूटिलाइजेशन वो कैसे करते हैं, जिसके तहत आज हम आए हुए हैं नागपुर शहर के महापौर मेयर जयशंकर तिवारी जी के घर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका घर दिखाई दे रहा है, और हमने घर पहले ही शूट करके आपको दिखाया था कि वो हंसापुरी नागपुर में रहते हैं और वो नागपुर शहर के महापौर हैं, मेयर हैं। आज हम उनके साथ दिन भर रहेंगे और उनसे जानेंगे और देखेंगे कि उनकी दिनचर्या क्या रहती है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हमारे ऑन द रिकॉर्ड इस नए प्रोग्राम में आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नागपुर के महापौर जयशंकर तिवारी जी से। हमारे साथ मौजूद है नागपुर के महापौर जयशंकर तिवारी जी। आज हम दिन भर आपके साथ रहने वाले हैं, रात तक आपके साथ रहने वाले हैं। आप क्या खाएंगे, आप क्या पियेंगे, आप कहाँ जाएंगे, किसका काम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो हम लोग आज शुरुआत कैसे कर रहे हैं? बस सुबह स्नान किया, पूजन किया चर्या में। जो लोग सुबह घर पर मिलने आए थे, जिनका काम यहाँ हो सकता था उनसे चर्चा की, जिनका नहीं हो सकता था उन्हें 3 बजे नागपुर महानगर पालिका के कार्यालय में बुलाया। अभी हमारी पूर्व महापौर युवनाते ताई जी गांधी बाग बगीचे के पास राह देख रही है, एक जगह निरीक्षण करने उनके साथ जाना है। बस हम उनके साथ निकल करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि हम यहाँ घर से निकल रहे हैं और घर से हम लोग आज काम की शुरुआत कर रहे हैं गांधी बाग गार्डन से। वहाँ पर नागपुर की पूर्व महापौर मायाते इवनाते महापौर जी का वेट कर रही हैं। वहाँ पर हम जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या काम है, उस काम को निपटाएंगे, उसके बाद आगे क्या होगा वहाँ पर पहुँच के आपको बताते हैं। जैसे कि आपने सुबह देखा था कि हम लोग सुबह 9:30 के आसपास घर से निकले थे और अभी हो रहे हैं 12:30, और 9:30 से 12:30 के मतलब 2.5 से 3 घंटे के दरमियान महापौर जी ने तकरीबन 7 से 8 जगह विजिट दी है। मैं जानना चाहूँगा कि आप इतनी व्यस्तता में इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं? जनता ने मुझे निर्वाचित करके दिया है और पक्ष ने मुझे जवाबदारी दी है और जनता के काम का निर्वहन करने की जवाबदारी दी है, तो जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के हिसाब से मैंने मेरी दिनचर्या को डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसा मैंने तय किया है। मेरा कार्यकाल बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को ये निराशा हो कि हम महापौर के घर गए थे, महापौर के कार्यालय गए थे और उसने हमारे प्रश्न को तवज्जो नहीं दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे से मिलने वाले व्यक्ति ने अगर अपेक्षा व्यक्त की है कि मैंने साइट पर आना चाहिए, मैं जाता हूँ। मेरे जाने के कारण अधिकारी वहाँ आ जाते हैं, अधिकारी वहाँ आने के कारण समस्या का जगह पर निराकरण हो जाता है, और किसी नागरिक की समस्या का उसी स्थान पर निराकरण हो जाए ना, तो आप यकीन मानिए उसके चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो देख करके मेरी सारी थकान मिट जाती है। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास लोग कार्यालय में आते हैं, आपके घर में आते हैं, लेकिन हम तो सुबह से ये चीज़ देख रहे हैं कि आप जगह जगह पर जा करके नागरिकों के पास पहुंच करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और हो सक रहा है तो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं और तुरंत उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत लेकर के पूरी बस्ती नहीं आती, कोई एक व्यक्ति आता है। इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ टेलीफोनिक शिकायत आ जाती है, लेकिन अगर वो क्वालिटी वर्क को लेकर के है और टेलीफोनिक शिकायत है तो उसकी मंशा रहती है कि उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जब बस्ती में जाओ तो पूरी बस्ती उमड़ करके बाहर आ जाती है और सब अपनी अपनी बात कहने लगते हैं। जाओ किसी एक विषय के लिए और बात चार चार निकल जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये ना कहूँ कि भाई आपने तो इस काम के लिए कहा था, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे करके। कोशिश यही होती है कि जो काम उस जगह पर
निष्पंदन हो सकते हैं, निपट सकते हैं, किए जा सकते हैं, उसका वहीं के वहीं निर्णय लेकर के उसे कार्य का संपादन कर देना। और जिन कामों के लिए ऐसा लगा कि आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ऑफिस में बुलाना चाहिए, कारण अधिकारियों के साथ बैठ करके ऑफिस में उपलब्ध फाइल को देखने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है, ऐसे लोगों को मैं दोपहर 3 के बाद अपने कार्यालय में बुला लेता हूँ, क्योंकि वहाँ बैठ कर उनकी समस्या का निराकरण कर सकूँ। जैसे कि हमने सुबह से देखा कि तकरीबन 7 से 8 जगह विजिट 2.5 से 3 घंटे में आपने की है और लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है, और हम देख रहे हैं कि आपका जो शेड्यूल होता है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता है। और मैं इसमें ये बीच में क्वेश्चन आपसे ये लेना चाहूँगा कि आप अपने लिए पर्सनल टाइम कैसे निकालते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में? देखिए, ये तो सही में बहुत बड़ी अड़चन है, बहुत बड़ी अड़चन है ये। और पिछले 25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करने के बाद मैं अगर महापौर बना हूँ तो नैसर्गिक है कि मुझसे होने वाली अपेक्षाएं भी ज़्यादा है जी। और परिवार को अब इसकी आदत पड़ गई है जी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत कम समय निकाल पाता हूँ, इसका दुख भी है मुझे, कारण परिवार को मैंने जो समय देना चाहिए मैं नहीं दे सका, लेकिन इसी से सुखी हो जाता हूँ कि अपने परिवार को नहीं तो मेरा जो विशाल परिवार है, इस विशाल परिवार के साथ तो मैं अपना समय दे रहा हूँ और इसी से संतुष्टि कर लेना पड़ता है। मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ कुछ बुरी आदतें होती हैं, तो उन दोनों आदतों के बारे में आप हमारी दर्शक जो हैं उनसे शेयर करें कि अच्छी आदतें तो हमने खैर सुबह से बहुत सारी देखी है कि आपको किसी का भी कॉल आता है, आपके पास कोई भी आता है तो आप 99% उस चीज़ का कोशिश करते हैं कि उस समस्या का निराकरण तुरंत ही निकल दिया जाए। कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दोनों में, अच्छी और बुरी, दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरे माता पिता का संस्कार मुझ पर बहुत अच्छा हुआ है जी। मेरे पिता का निकनेम सुदामा था जी। और वो इसीलिए था कि उनका स्वभाव मित्रवत था जी। तो वो मेरे DNA में वो आ गया है जी। वो मुझे संस्कार के रूप में नहीं, DNA के रूप में मिल गया है, इसलिए मेरे पास कोई आए तो उसने निराश नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानसिक भाव होता है और ये मुझे संस्कार के माध्यम से मिला। दूसरी चीज, मेरे पिता का बचपन में देहांत होने के कारण मेरी माँ ने मुझे संस्कारित किया, और माँ ने मुझे हमेशा ये कहा कि कोई भी अगर काम करते हो ना तो ये काम तुमने किया ये कभी इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, ये काम सार्वजनिक तौर पर किया गया है ऐसा इस्टेब्लिश होना चाहिए, कारण जिस काम में मैं आ जाए वो काम का अर्थ समाप्त हो जाता है, कारण वह अहम साबित होता है। और इन दोनों के कारण मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, कारण मैं किसी नगर सेवक के वार्ड में गया एज ए महापौर, मैंने निर्णय लिया और उसका श्रेय उस नगर सेवक को दिया, तो नागरिकों में उसकी इमेज भी बढ़ती है, वो इस्टेब्लिश होता है और तुरंत महापौर ने उसके कहने पर निर्णय ले लिया, इस प्रकार से उसकी छवि भी बनती है। अगर मैं उसको उल्टी दिशा में ये बोलूँ कि आप यहाँ हो तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो नागरिक सीधा दूसरी दिशा में देखने की कोशिश पड़ गई। और ये संस्कार मुझे मेरी माँ ने दिया है, इसलिए मैं तो ऋणी हूँ उन दोनों का कि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। लेकिन मनुष्य जो है उसमें केवल गुण नहीं होते हैं, मनुष्य तो दोषों का पुतला होता है, इसलिए मेरे में दोष नहीं है ऐसा नहीं है। जो मुझे मेरे विद्यार्थी जीवन से जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं महापौर बन गया तो मुझे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी मुझे दया भैया बोलने लगे, लेकिन मैं विद्यार्थी जीवन में जब डिबेट बोलता था तो मैं मेरा इनिशियल लिखता था, कारण मुझे मेरे पिता का नाम अपने साथ रखने में आनंद महसूस होता है, तो मैं DC तिवारी ऐसा अपना नाम लिखता था, दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी। तो डिबेट के फील्ड में मेरा नाम था DC, और DC इसलिए था कि मैं डायरेक्ट करंट था, मुझे कोई अर्थिन वर्थिन बिल्कुल नहीं था, और देवेंद्र जी भी मुझे DC भैया के नाम से बुलाते थे, मेरी जो पूरी डिबेट की टीम है आज भी DC के नाम से बुलाती है। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी मुझे DC करके ही बुलाते हैं, आज भी दया करके नहीं बुलाते। उस दिन सारे लोगों ने सत्कार किया, मेरे पुरानी टीम ने, उसमें डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा भी जी थे जो मेरे गुरुदेव है,
उन्होंने उस दिन भी अपने भाषण में दयाशंकर एक आधे बार बोला डीसी 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 इसी शब्द का उपयोग किया। तो डीसी बोलने का तात्पर्य यह था कि मैं बहुत हॉट टेम्पर्ड था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, मैं बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता था, ये मेरी कमजोरी है। जैसे कि हम अभी नागपुर शहर के मानेवाड़ा क्षेत्र से निकले हैं, अब हम हमारा अगला पड़ाव कहाँ होने वाला है, हम आगे कहाँ जाने वाले हैं? स्थायी समिति अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मैं यहाँ था इसलिए चुनाव के समय वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए सबसे पहले उनसे जा कर के मिलूँगा। तो जैसे कि आपने सुना और देखा कि महापौर जी ने बताया कि अब हमारा अगला पड़ाव होने वाला है कॉरपोरेशन का, जहां पर स्थायी समिति अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, वहां पर जाएंगे और वहां का माहौल देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है वहां का माहौल। जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि सुबह से अभी तक की इतनी व्यस्तता के बाद अब महापौर जी को फिलहाल सिर्फ चाय पीने का टाइम मिला है, तो हम यहाँ पर बैठ करके NMC में फिलहाल चाय का लुफ्त उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से कि वो एक बार महापौर जी को भी दिखाएं कि 4 घंटे के अंतराल के बाद वो सिर्फ एक चाय पी रहे हैं। लंच कब करेंगे उसका फिलहाल अभी ठिकाना कुछ है नहीं, लेकिन जब भी करेंगे हम आपको ज़रूर लंच तक भी ले करके चलेंगे। मेरे साथ अब मौजूद है वरिष्ठ नगर सेवक सुनील अग्रवाल जी, जो कि महापौर जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के रोज़ाना काम करते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वो महापौर जी से कब से जुड़े हुए हैं और वो क्या क्या काम उनका देखते हैं। जुड़ने की बात ऐसी है कि मैं जो यहाँ पे महानगर पालिका में सबसे वरिष्ठ नगर सेवक 1985 से हूँ, ये मेरा 7वां टर्म है। तो जब वो प्रथम बार निर्वाचित हुए, जब से ही मेरे साथ में उनके संबंध है और उनकी जो कार्यशैली है उसमें निश्चित ही उन्होंने कई बार मुझसे मेरे वरिष्ठ होने के कारण उन्होंने मार्गदर्शन लिया है और समय समय पे जो भी उनके कार्य है उसको किस प्रकार से पूर्णतः से 100% उसको पॉजिटिविटी के साथ में काम हुए उसके लिए निश्चित ही मैं उनको मदद करते रहता हूँ। आज लगभग सुबह 9:30 बजे से लेकर के अभी शाम को 6:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स, हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू उनसे लोग मिलने आते रहते हैं, वो कंटिन्यू बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जब से राजनीति में आए, शुरुआत में चाहे वो
अपना पार्टी का काम हो, उसके बाद में जनप्रतिनिधि के रूप में, तो उनमें एक प्रकार से गॉड गिफ्ट है कि जो भी लोग आते हैं शॉर्ट में सुनने के बाद में उनका क्या उनकी परेशानियां हैं और उस परेशानियों को किस प्रकार से दूर कर सके, उसके यानी उनके दिमाग में जल्दी से फिट हो जाता है। और चाहे वो 100 आए, 200 आए, 500 लोग आए डेली, हर एक को सुनने के बाद में उसको अपने दिमाग की मेमोरी में उसको बिठा कर और उसके बाद में उसको कैसे अंजाम देना, वो निश्चित ही उसके प्रति कार्यशील रहते हैं। तो ये थे सुनील अग्रवाल जी, जो कि हैं वरिष्ठ नगर सेवक, जिन्होंने महापौर जी के बारे में बहुत अच्छी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। हम चलते हैं सीधे महापौर जी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर आगे उनकी क्या प्लानिंग है। तो लगभग शाम को 7:15 बज चुके हैं और हम अभी भी महापौर कार्यालय में ही मौजूद हैं महापौर जी के साथ। सुबह से निकले थे, सुबह के बाद दोपहर हो गई, दोपहर के बाद अभी शाम हो चुकी है और शाम के बाद अब रात होने वाली है, लेकिन सुबह के नाश्ते के बाद और थोड़ी सी चाय के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, इतना व्यस्त शेड्यूल उनका रहता है, जो कि आज हमने भी देखा और आपको भी दिखाया। आप इतनी व्यस्तता में, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि पर्सनल लाइफ का निर्वहन कैसे करते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपका ये सवाल रहेगा कि हर इंसान की कुछ ना कुछ पसंदीदा चीज़ें होती हैं, हर इंसान खाने का शौकीन होता है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल आज खाते हुए देखा नहीं हूँ कि आपने कुछ भी खाया है, सिर्फ एक चाय पी थी। और तो आप क्या खाने के पसंदीदा चीज़ आपको लगती है? देखिए, सारी पसंद तो गांधीबाग और इतवारी में रहने वाला, अगर खाने का शौकीन ना हो कोई, अगर ये कहता है तो नैसर्गिक रूप से झूठ बोल रहा है। वहाँ रहने वालों को बचपन से ही खाद्य संस्कार मिल जाते हैं और नए नए पकवान विभिन्न तरीके से बना करके खिलाने की विधा जितने बड़े प्रमाण में इस इलाके में है शायद किसी दूसरे इलाके में नहीं। इसलिए खवैया तो मैं भी हूँ, लेकिन उम्र के साथ साथ सारी चीज़ें बदलते जाती है। 2012 में जब मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष बना तो डायबिटीज डिटेक्ट हो गई। अब डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद नैसर्गिक रूप से मेरा सामाजिक जीवन है, इसलिए सावधानी बरतना मेरे लिए नितांत आवश्यक था। तब से मैंने मेरे भोजन के रूटीन को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, लेकिन अभी भी अगर नाश्ता सामने आ गया और उससे खुशबू आ रही है गरम गरम, तो मैं मेरा मोह संवर्धन नहीं कर सकता। लेकिन महापौर बनने के बाद दिनचर्या में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन इसलिए भी हो गया कि दिन भर बैठे रहने के कारण मानसिक श्रम तो बहुत हो जाता है, लेकिन शारीरिक श्रम बंद हो गया। अभी मेरा रूटीन है कि मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ तो 9:30 से 10 बजे के बीच में 2 रोटियों का भोजन करता हूँ। हाँ, रोटियों का स्वरूप बदल लिया है, 7-8 प्रकार के मिक्स दाल की दोनों रोटियां होती है, रोटी सब्जी खा करके मैं घर से निकलता हूँ और वो पूर्ण आहार जैसा होता है, दिन भर मुझे किसी प्रकार की भूख नहीं लगती। उन रोटियों में ज़रूर बहुत ज़्यादा दम होगा, तभी सुबह से लेकर के अभी तक जो हम आपको देख रहे हैं तो ना आपके आवाज़ की तेज़ में कमी आई है और ना आपके चेहरे की तेज़ में कमी आई है, आप उसी फुर्ती के साथ अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी बात कर रहे हैं जैसे कि आप सुबह कर रहे थे। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो आप 24 घंटे में से कितने घंटे काम करते हैं? ये प्रतिदिन के कार्यों पर अवलंबित होता है। मैंने आपको बताया कि अगर मैं 7 बजे घर पहुंच गया तो मैं 7 बजे भोजन कर लेता हूँ। उसमें यह भी बताया कि कभी मैं 8 बजे घर पहुंच गया तो 8 बजे भी भोजन कर लेता हूँ। ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं, कभी तारीख बदलने के बाद भी भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे कि मुझे तो लगता है कि हमारा कार्यालय का काम काज अभी खत्म हो चुका है, तो हम इसके बाद अब यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, हमारा अगला पड़ाव क्या होगा? शाम के समय मुझे अगर फोन आते हैं तो मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि गांधीबाग बगीचे में मिलने के लिए आ जाए। अभी भी मैं यहाँ से गांधीबाग बगीचे जाऊँगा, वहाँ कुछ लोग अपनी समस्या लेकर के आएंगे, गुंठेवारी के अंतर्गत कुछ काम है वो लेकर के वहाँ आएंगे,
वहाँ से अधिकारियों को फ़ोन करके उनका कार्य संपादन करने के निर्देश देंगे। अगर नहीं हुआ तो उन्हें भी यहाँ कार्यालय में बुलाएंगे और आगे की कार्रवाई करने के लिए उनको भी मदद करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा और सुना, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली, काफ़ी सारे काम हो चुके हैं और काफ़ी सारे काम होने बाकी हैं, तो उन काम में कोई भी विलंब ना हो इसलिए हम अभी जनसंपर्क कार्यालय जाएंगे, लेकिन उससे पहले जाएंगे गांधीबाग बगीचे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा अगला पड़ाव रहने वाला है मेयर के साथ में गांधीबाग बगीचे का। अभी भी हम महापौर जी के कार्य क्षेत्र में हैं और वो अभी भी रात को 9:45 बज रहा है, 9:50 है और अभी भी वो काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप अभी यहाँ से घर जाएंगे डायरेक्ट। एक जगह प्रभाग में कंक्रीटिंग शुरू है, मैंने जो आपको बताया था 8 बजे है कि वो मशीन अभी आई है, इसलिए पहले वहाँ विजिट करूँगा और वहाँ से मैं निवास स्थान पर जाऊँगा, जिसके पश्चात भोजन ग्रहण करूँगा और परिवार के साथ समय व्यतीत करूँगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड, जिसमें आज हमने शुरुआत की नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी जी से। आई होप सो आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।